नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव बहुगुणा गढ़वाली में। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हम आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग। इससे पहले हम प्रथम सर्ग आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं थोड़ा रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की प्रस्तावना आप सभी के सम्मुख रखना चाहूँगा। यह उस समय की बात है महाभारत कालीन कि जब कर्ण शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के हेतु भगवान परशुराम जी के आश्रम में महेंद्रगिरी पर्वत पर जाते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी का आश्रम था, लेकिन परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, किंतु छलवश कर्ण भगवान परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। एक बार भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं और कर्ण मुस्कुरा रहे मन ही मन मुस्कुरा कर यह सोच रहे होते हैं कि मेरे गुरु मेरे से कितना स्नेह करते हैं, मैं इनका कितना प्रिय शिष्य हूँ, और वह यह सोचकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। किंतु शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि भगवान परशुराम जी को यह पता चल जाता है कि कर्ण ब्राह्मण कुमार नहीं है। उसके बाद उनके बीच में जो संवाद होता है वह रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग में है। और यह पता चलने के बाद भगवान परशुराम उन्हें जो श्राप देते हैं वह कर्ण को जीवन पर्यंत ढोना पड़ता है। तो दोस्तों, देव बहुगुणा जी की आवाज़ में आप सभी के सामने प्रस्तुत है रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर कहीं उच्च प्रसवण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक कुटच पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सो आते हैं, सशक मुस्कल हरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते सुसुका लेहन, कुछ खाते सा कल्ल दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभिमर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, छपक रहे हों शिशु के अलसित गजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशिप्त विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्नी झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिंदर्भ पालास कमंडल एक ओर तपके साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष तूणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परस आभासाली लौह दंड पर पड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धावर्ती अजिंदर पर परसु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमिया समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुन की है सिरवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परस और तप ये दोनों वीरों के होते हैं श्रृंगार, क्लीब न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है सट विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असिकी पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल कालसम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा।
मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर ये दोनों थे जिस महान मुनि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृग के परम पुनीत वंशधर प्रतिवीर पणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरोवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छनछन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तपसे कृष्काया उस पर आयुध सच्चालन, हाथ पड़ा संभाव देव पर असमैया मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर, भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना रहा तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हूँ मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक, अभी अभी से खाने पर कर लेना घनघोर तपस्या वे चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ से लोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैसे भेष में पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असभिहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रहित सोणित में भूप को भूपों की लिप्सा रण की। ओरण भी किस लिए नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पथप्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले इन्हें में और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बड़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कभी कहीं कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर पर वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह है दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव हुआ तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल बुझा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पर पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि गोविंद विज्ञान विरासत, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से नहीं छूट वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ,
खड़क छोड़ खड़क की भाषा को, रोक टोक से नहीं सुनेगा। नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का वह मदांत अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा हुआ तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको, जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपो और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को, पास उसी को आने दो, विप्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप दिखाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा या मारा है, ददक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता, मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में, मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ही ढोगे उसको जो मुझ में है तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्चत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या, ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय में, और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या, गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नरको मुट्ठी में भरकर कहीं चीट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेना किस कुल में, आकस्मिक ही है या बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ तब भी होते कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख का चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट यहाँ कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट, भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट पर हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई या सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट या पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत ही बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगिदों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव,
तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है या छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह, कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया, मुझे किया हैरान, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर से ऐसा क्रोधाग्नि भयंकर भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं या हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव हुआ अपना कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा 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 हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, कर्ण विवर्ण हो गया अंग, कांपने लगे भैसे थर थर। सूत पुत्र हूँ, शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो कुछ भी हूँ देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु यह छल का ही तो काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनू शिष्य में कार्तवीर के चेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज इस सूत पुत्र को, कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और नहीं थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में केबिस है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृति बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म हे देव मुझे, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, परमदांत अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा या विजय कामना नहीं छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू भी प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चय सका धृष्ट राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कुछ कर्तव्य सिखलाए, पर तुझ सा जिज्ञासु तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से, किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था।
नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसा तेज कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ाऊंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं ऐसे मुझको। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य तू पाएगा। परशुराम का क्रोध भयंकर निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम वही काम नहीं वह आएगा। है या मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया साप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। बरसों की साधना प्राण ही साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर लो सादर बहन करो। इस महेंद्र गिर पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक उससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी। इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो या बर की विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदावत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ हम अभिक्षिप्त किसी जन को। खाए छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से मत मेरा तुम व्रत मेरा मत भंग कर। आह बुद्धि कहती थी ठीक था जो कुछ किया परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते जाते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा से मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं न उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया अपना आनंद। जहां मिला था कर्ण वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर